जा रहे थे तो यहाँ पर कोई था नहीं, तो हम लोग बैठे हुए थे बस, और तो अकेले में अकेले ऐसे कुछ का इंटेंशन नहीं है हमारा जैसा आप सोच रहे हो इंटेंशन। ये पब्लिक प्लेस में ये यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग गार्डन में बैठ के? ये यहाँ पास लोग बाग टहलने आते हैं गार्डन में, और चल चल दो बेटा, ये लोग यहाँ आके ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अरे अभी हमारे सामने पूरी अंकल वगैरह वहाँ से टहल रहे हैं और ये यहाँ बातें करते हुए जा रहे हैं, इनको कुछ फर्क ही नहीं है। ये देखो ओए क्या कर रहे हो यहाँ, क्या कर रहे हो जी सर, क्या कर रहे हो यहाँ पास? कुछ नहीं बैठे थे। ये क्या ये क्या हरकत है, क्या यहाँ पास फैमिली आती है यहाँ पास टहलने के लिए, आप लोग पार्क में बैठ के क्या कर रहे हैं? कुछ कर थोड़ी रहे नहीं, तो ये चीजें क्या है, मतलब ये बैठने का तरीका क्या, मतलब कि ये क्या चीज है पब्लिकली यहाँ पर? ये गार्डन है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, शर्म नहीं आती है? ये गार्डन है यहाँ लोगों को, छोटे छोटे बच्चे देख के क्या सीखते होंगे तुमको? इसलिए थकान हो रही है, तो कोई प्राइवेसी में बैठना चाहिए, यहाँ पे कितने सारे बच्चों ने देखते हैं। हमारी अपनी लाइफ है, आप कैसे तो मतलब कुछ भी एग्जांपल शेयर करो। थोड़ी कर रहे थे भैया, गलत नहीं कर रहे, गलत करने वाली बात नहीं, मतलब बैठो लेटे कुछ भी गलत एग्जांपल सेट करोगे ऐसे बैठते हैं, मतलब इन फ्यूचर तुम्हारे बच्चे होंगे और उनके सामने कुछ ऐसी हरकतें होंगी पार्क वगैरह में, तो तुम लोग ठीक हो? अच्छा लगेगा जैसे आप बोल रहे हो ऐसी कुछ हरकतें? नहीं नहीं हरकत, तो ये नैप क्या, ये मतलब क्या, ये तरीका क्या? अंकल जी निकले दो, वो तुम्हारे पिता की उम्र के, तो क्या सोच रहे होंगे तुम्हारा, वो वहाँ आगे चल के बोल रहे थे कि कैसे कैसे लोग है तभी। और फिलहाल ये गार्डन है, यहाँ पास ऐसे आके बैठ नहीं सकते हो आप, यहाँ पास बहुत सारे लोग आते हैं, हर एज के लोग आते हैं यहाँ पास, और आप लोग बोल रहे हो सिर्फ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। भाई क्या असर पड़ेगा सोसाइटी पे? हमने ऐसा कुछ किया थोड़ी, आप मतलब इतना तो मतलब जब तक हो जाता तब मैं आऊँ, कुछ किया नहीं तो क्या मतलब, तो क्या ऐसे कुछ करने के इंटेंशन? वीडियो बंद नहीं होगी तुम तो, प्रॉब्लम वाली क्या बात है, प्रॉब्लम नहीं नहीं घर वाली प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है वो, आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था। बैठे थे नॉर्मल, मेरे को कोई शौक नहीं है आप लोगों का आके वीडियो बनाने का। अब ये दादा जा रहे हैं बच्चों को लेके और तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, मतलब क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सही बात है, पर नहीं तो ये बैठने का तरीका क्या है, बैठने का क्या मतलब यहाँ पास, मतलब एक बैठने का, अरे आप लोग तो ये मतलब ये कॉर्नर वाली जगह क्या, अगर बैठना है तो वहाँ आप बाहर भी बैठ सकते हो ना, अगर आपको नॉर्मली बात करनी है बाहर जाके बात करो ना। एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे शांति है, वहाँ पे उधर सब लोग बार बार आ रहे जा रहे थे, तो यहाँ पर कोई था नहीं, तो हम लोग बैठे हुए थे बस, और तो अकेले में अकेले कुछ का इंटेंशन नहीं है हमारा जैसा आप सोच रहे हो। इंटेंशन नहीं है, हम भी दूर से देख रहे हैं, इंटेंशन आपका क्या है कितना नहीं है वो हमें पता है, कुछ गलत किया मैं कोई आप लोगों के पर्सनल लाइफ में घुस के झांकना नहीं है मेरे को। अभी तुम्हारे पापा मम्मी देखेंगे तो उनसे भी पूछोगे कि गलत किया कि सही किया, घर पता है, पता है तुम्हारे? एडल्ट हुए नहीं हूँ और ऐसी हरकतें आगे कर रहे हो, वो भी कॉर्नर एरिया पे, ऐसी कुछ हरकतें पर। और ये मतलब ये क्या आ रहा है, ये क्या है, ये एरिया क्या है? नॉर्मली बैठे थे यार भैया, ऐसा कुछ गलत तो वहाँ जाओ ना, फ्रंट में बैठो सामने, अगर तुम लोगों के इंटेंशन गलत नहीं थे। थोड़ा सा माइंड आज ऐसा हो रहा है यार, मतलब कुछ टेंशन है, तो टेंशन है तो घर पे जाके सॉर्ट आउट करो, घर वालों के साथ शेयर करो। 18 साल उम्र हुई है, गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के टेंशन दूर होगी तेरी, क्या बोल रहा है? अगर टेंशन है तो घर वालों के साथ बैठना, और तुम अभी 17 की हो और ये 17 की हो, मतलब कि अभी 11 12 क्लास में होगी, तुम स्कूल में हो, तुम लोग बच्चे हो, और पार्क में आके इतना फ्रीली होके बैठे हो। ठीक है, हम वहाँ बैठ जाते, वहाँ बैठना नहीं है, चलो वहाँ पहले चलो आगे, चलो तुम लोग पहले यहाँ से निकलो, चलो आगे आगे चलो भाई। अब ठीक है ना, हम जा रहे हैं, आप ये वीडियो बंद कर लीजिए, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, तुम लोग चलो, तुम चलो ना, यहाँ आके बैठे हो कॉर्नर पे और बोल रहे हो क्या होगा क्या होगा, ये लोग भी तो देखने चाहिए ना, इधर पब्लिक हो रही है आप खुद ही देख सकते हो, इसलिए पब्लिक नहीं हो रही है। तुम लोग इधर आओ, तुमको भी ऐसा करना चाहिए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अंकल ये आजकल की ये जनरेशन यहाँ पास, मतलब ये आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चे हैं, ये
वहाँ बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि हम बैठे हैं, इनके पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये कॉर्नर ऐसा कोना पकड़ के बैठे हैं, आप लोगों के हिसाब से आपको क्या ये सही लग रहा है? नहीं बेटा गलत है, भविष्य के लिए बेकार है, आपके माता पिता को क्या लगेगा आप लोग क्या कर रहे हो, और आई जनरेशन को आप क्या मैसेज दे रहे हो ये जरा सी उम्र में? सही बात है, है ना, इसलिए अपना फ्यूचर बनाओ, अच्छे पढ़ाई लिखाई करो, अपने माँ बाप का ये ना मानो ये गलत है, आइंदा बेटा ऐसा हरकत नहीं करना, और इसे गार्डन अडन पब्लिक प्लेस पर नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल, आने वाली जनरेशन को आप क्या मैसेज दे रहे हो? ये मैसेज दे रहे हो कि इसको कुछ नया करके जाओ जनरेशन में। सही बात कि आने वाले समय में अपन कुछ आगे बढ़े, अपने को देखे कोई आगे प्रोग्रेस बने। सही याद करे, हाँ तो कोई काम किया है। सही बात है अंकल, बिल्कुल सही बात, सभ्यता अपन भूलते जा रहा है, हाँ है ना, इसका इसका पूरे परिवार पर इफेक्ट पड़ता है। सही बात है, है कि नहीं, और ऐसे कोई काम भी नहीं करे जो सबको बुरा लगे। सही है कि नहीं, सही, विचार शुद्ध हो, सही, वातावरण शुद्ध हो, और अपना शरीर स्वस्थ हो। सही, ठीक, उनका वर्चस्व बढ़ता है, माँ बाप की इज्जत। जी जी जी, है ना, कुछ समझ में आया तुम लोगों को? तो बेटा ध्यान रखना, आइंदा ऐसा काम मत करना, है ना, हाँ निकलो यहाँ से, अब ऐसी हरकतें करना मत, चलो जाओ, ऐसे कोने-वोने में नहीं बैठना है ना, जाओ जाओ।